आज के इस युग में जहाँ पर हर कोई बड़े बड़े स्पेक्टेकल्स पेश करता है, आँखों को लुभाता है, उस फिल्मों की स्केल की बातें होती हैं, उस युग में एक ऐसी फिल्म आई है जो दिल से निकली है और दिल तक पहुँचती है, क्योंकि उसमें ईमान है। हमारे मुल्क की एक सच्चाई है कि हमारे शहरों में महिलाओं की जो तन्हाई की एक स्पेस है उसको हम छूते ही नहीं हैं, और एक मुल्क ने एक बहुत जुल्म किया है कि हमने हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको देखना ही छोड़ दिया है। अतीत में होता था, हमने एक बहुत कमाल की फिल्म देखी थी 36 चौरंगी लेन, मगर वो एक एंग्लो इंडियन महिला की कहानी थी। ये बंगाल की कोलकाता की एक हिंदुस्तानी महिला की कहानी है, मगर और इसकी अनोखी बात यह है कि ये तन्हाई को भी एक नए अंदाज से पेश करती है। वो छाती पीटने वाली, शराब पीने रोने धाने वाली तन्हाई नहीं है, क्योंकि तन्हाई से जूझने का तरीका भी बदल गया है। और ये जो डायरेक्टर हैं ये कमाल के डायरेक्टर, मैंने कलकत्ता का भी शहर जो है कोलकाता का भी ऐसा देखा नहीं है। और मैं तो हैरान तब हुआ कि जब कोलकाता में जो वहाँ पर लोग रहते हैं, जब उन्होंने ये फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि ये हमने इस नज़र से अपने शहर को कभी महसूस ही नहीं किया था। तो इसमें एक कहानी की गहराई है और अकेलेपन में जो एक प्यार की मिठास होती है उसको जो किस अंदाज से फिल्म मेकर ने बुना है ये काबिल-ए-दाद है। और मैंने यहाँ इस फिल्म में एक कैमियो प्ले किया, क्योंकि एक दिन अचानक फ़ोन आया मुझे संजय का कि मैं चाहूँगा कि आप मेरी फिल्म में एक्ट करें। तो मैंने कहा मैं एक्टर तो हूँ भाई, इसलिए मैं आपको एक सीन भेजता हूँ, आप पढ़ लीजिए उसको, और अगर आपको लगता तो बड़ी अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो मैंने कहा एक तो बिना पढ़े मैं कहता हूँ कि अगर आपने मुझे मेरी बीवी के साथ में एक फिल्म में एक रोल प्ले करने को कहा तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अवसर मुझे कभी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चों को बड़ा अच्छा लगेगा कि वो एक ऐसी फिल्म देखें जिसमें हम दोनों साथ में हैं, कुछ पल के लिए सही मगर साथ में हैं। तो ये हमारी लालच थी, मगर इनके साथ में काम करके आधा दिन काम किया था हमने कोलकाता के स्टेशन पर, इनका अंदाज काम करने का बड़ा बिल्कुल अलग है। छोटी सी टीम थी, 3-4-5 लोग गिनती के थे, मगर जिस एफिशिएंसी से उन्होंने काम किया और जो फाइनली वो सीन पर्दे पे आता है तो वो जान ले लेता है। तो इस किस्म का सिनेमा आज की तारीख बनाने के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए। लोग कहते हैं कि एवेंजर्स बनाने के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए, हाँ चाहिए भाई, मगर इस दौर में इस किस्म का सिनेमा जो है कंसीव करना, और मैं ये जो अजी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जुर्रत करके इस फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया। वाइफ के साथ साथ सर अब आप बेटी के साथ में भी काम करने वाले हैं, तो उसका क्या स्टेटस है? अगर आप वो कहानी फिर कभी, आज सिर्फ योर्स ट्रूली की बात करेंगे। अच्छा। और सर एक आपसे परमिशन लेना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप बात करें, क्योंकि इन दिनों आपका नाम बहुत ही उछाला जा रहा है, आप भी जानते हैं आपका नाम इस लेवल पे ख़राब किया जा रहा है, एक सोशल मीडिया पे भी, कि कंगना सिस्टर हैं वो जो है भट्ट साहब को स्क्रीनिंग के दौरान हमारे आपने सुना ही है, नहीं मैं चाहता हूँ हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने बच्चों पे उंगली नहीं उठाते। ये हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों के खिलाफ कहना, उससे आपकी दुकान तो चल जाएगी मगर हमारा जो एक जीने का तरीका है वो आड़े आता है। इसलिए मैं कभी नो कमेंट्स कह के बात को टालता नहीं हूँ, मगर क्योंकि एक जूनियर बच्ची है जिसने ज़िंदगी हमारे साथ शुरू की है,
अगर उसने कुछ उसकी उसके रिश्तेदार ने कुछ कहा है तो उसके बारे में मैं कुछ कहूँ, उससे बात जो है बढ़ेगी और हम मरते दम तक हमारे बच्चों के बारे में बुरा कभी नहीं कहेंगे। ये हमारे हमारे स्वभाव के खिलाफ है, हमारी फितरत के खिलाफ है। मतलब उन्होंने गलत ये बातें गलत आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कही है बात, हाँ। कही है और बड़े लेवल पे वायरल किया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कही है लोगों। मगर अगर मुझे गाली देने से आपकी दुकान चलती तो मुझे अगर मुझे गाली देने से किसी की दुकान चलती तो मुझे क्यों एतराज होना चाहिए? कोई पेट भर रहा है, किसी की दुकान चल रही है। मगर मैं अपने जूनियर्स के खिलाफ, अपने महिलाओं कोई बच्चियों के खिलाफ एक बुरा कड़वा शब्द नहीं बोलूँगा। ये मेरे संस्कार में जो रोकते हैं, मैं नो कमेंट्स वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मगर मैं बोलूँगा नहीं।